चौहटन विधानसभा के लिए भाखासर में नमक उद्योग लगाने, नए छात्रावास व आईटीआई कॉलेज बनाने के साथ बंद पड़े विद्यालयों को खुलवाने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। ये बात शनिवार को चौहटन विधायक पद्माराम मेघवाल ने पत्रकार वार्ता में कही। इस दौरान विधायक ने चौहटन में जल्द ही नर्मदा नहर का पानी पहुँचाने, टिड्डियों से हुए नुकसान को किसानों को मुआवजा दिलाने की बात कहते हुए कई विकास कार्य करवाने की बात कही। बाड़मेर जिले के लिए मैंने तो मेरी विधानसभा के अंदर मांग की है, भाखासर के अंदर नमक उद्योग लगाने की मांग की है और सेवरा ब्लॉक के अंदर एससी की एसटी की छात्रावास होने जो है, माइनॉरिटी की बच्चियों के लिए छात्रावास की मांग की है, सेवरा के अंदर आईटीआई की मांग की है और सेवरा में सरकारी महाविद्यालय की मांग की है। हमको उम्मीद है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमेशा मेरा साथ दिया है और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए पूरा कोशिश करेंगे। पूरी मेहनत से जो स्कूल है, अभी जो पंचायत है जहाँ हुई है उस मुख्यालय पर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने की, जो हमारी स्कूल मैंने मर्ज कर दी थी भारतीय जनता पार्टी के समय में, उनको री ओपन करने के लिए भी 10-12 स्कूलों की परमिशन दे दी है, वो भी हो जाएगी। और क्षेत्र के आम आदमी की सुविधा के लिए विशेष तौर से पेयजल की सुविधा है, जो जहाँ भी नमक युक्त पानी है, खारा पानी है, वहाँ नर्मदा नहर की स्कीम सेक्शन होगी है और वो पैसे भी आगे है, तो आने वाले समय में वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्कीम ड्रीम। सबसे ज़्यादा 5 बार टीडी चौहटन आई और चौहटन आने के बाद में हमारे यहाँ के किसानों को बहुत भारी फसल का नुकसान हुआ। माननीय मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण करने के लिए यहाँ आए। ये सरकार की जो नियम और कानून के आधार पर जो भी 2 हेक्टर के आधार पर 13,000 27,000 जहाँ भी नुकसान हुआ वहाँ पहुँचा दिया है और माननीय मुख्यमंत्री ने सेंटर का ये मामला और सेंटर के अंदर भी कोशिश की है, कोई मुआवजे में चक्कर नहीं करा रहे। स्पेशल गिरदावरी करा के जितने भी टीडी हुए उस पर 100 करोड़ रुपए लमसम वितरण कर दिए और बाकी जितनी भी रिपोर्ट आ रही है उस आधार पर सीधे उनके खाते में पैसे जमा हो रहे।